माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फर्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को सबसे पहले तो हम जेड से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। और इसकी डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, ऐसे ही क्लोरीन का 17, लिथियम का 3, ऐसे आप सभी का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। मास नंबर होता है, सबसे पहले तो मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, उसको जेड से करते थे और इसे ए से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है उसे हम बोलेंगे मास नंबर। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम एग्जांपल ले क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसका मास नंबर 35 है। जेड इक्वल टू 17, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं 17, और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, वो है 35। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।